नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। स्वागत है आप सभी का न्यूज पत में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। जिंदगी से जुड़ी खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पत पर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हॉर्न ओके प्लीज में बेलगाम प्रदूषण में कैसे करें एक्सरसाइज, ये आपको बताएंगे। साथ ही सियासी ढाबे में बात होगी नीतीश कुमार की, जिनकी जुबान आज फिर से बेकाबू हो गई। तो सोशल अड्डा में करेंगे अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी पर चर्चा, और प्रगति मार्ग में दिखाएंगे एम्स के डॉक्टर्स ने कैसे असंभव को संभव कर दिखाया है। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा ज्योतिरादित्य सिंधिया की मदद वाले वीडियो की भी है। बैठे हुए हैं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें सिंधिया अपने पार्टी प्रत्याशी की मदद करते नजर आए। दरअसल वो चुनाव प्रचार के लिए मंच पर पहुंचे तो उन्होंने देवास जिले की हाट पिपलिया से सीट उम्मीदवार मनोज चौधरी की टांग में प्लास्टर बंधा देखा। इसके बाद उन्होंने मनोज चौधरी को एक और कुर्सी दी, ताकि एक कुर्सी पर वो आसानी से बैठ सके और दूसरी पर पैर रख सके और उन्हें कम दर्द हो। बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आधी रात में अपना 35वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। उन्होंने अपने पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी समेत परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ मिलकर घर पर केक काटा। उधर वैशाली में भी आरजेडी कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव का जन्मदिन मनाया। चंडीगढ़ में दिवाली से पहले जरूरतमंद लोगों के लिए नगर निगम ने एक खास पहल की। इसके तहत ऐसा स्टोर खोला गया जहां घरेलू सामान सिर्फ 1 रूपये में मिलेगा। इसमें बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं के कपड़े और खिलौनों के अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान भी मिल रहा है। इस स्टोर पर लोग अपना आधार कार्ड दिखाकर 1 रूपये के हिसाब से एक आधार कार्ड पर 5 चीज खरीद सकते हैं। राजस्थान के जयपुर में एक यूट्यूबर को रेलवे ट्रैक पर आतिशबाजी करना महंगा पड़ गया। दरअसल दिवाली से पहले उसने रेलवे ट्रैक पर पटाखे वाली सांप की गोलियां चलाई और फिर इसका वीडियो भी बनाया। ये मामला फुलेरा अजमेर रेलवे ट्रैक के बीच का है। हालांकि उस वक्त इस ट्रैक से कोई ट्रेन नहीं गुजर रही थी, लेकिन दूसरी ओर एक और ट्रक पर तेल से भरी मालगाड़ी दौड़ती नजर आई। इस वीडियो को यश नाम के यूट्यूबर ने मजेदार एक्सपेरिमेंट का नाम देकर अपने चैनल पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद देखते ही देखते ये वीडियो काफी वायरल हो गया, तो लोगों ने सोशल मीडिया पर रेलवे को टैग कर उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। फिर रेलवे ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया और युवक के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उधर यूट्यूबर ने इस वीडियो को अब अपने अकाउंट से डिलीट कर दिया है, लेकिन फिर भी रेलवे पुलिस उसकी तलाश कर रही है। यूपी के हमीरपुर में एक पालतू फीमेल डॉगी के मां बनने पर पार्टी दी गई। दरअसल इसने एक साथ 9 बच्चों को जन्म दिया। इसके बाद घर की मालकिन राजकली ने पूरे गांव को भोजन करवाया और मिठाई बांटी। राजकली के मुताबिक जब से उसने इसे अपने घर में पाला तब से उसकी काफी तकलीफें दूर हुई हैं। फीमेल डॉगी के मां बनने पर हुई ये पार्टी इलाके में चर्चा का विषय बन गई है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है, और आज की ये खबर प्रदूषण से जुड़ी है, जिसका हमारी सेहत पर सीधा असर होता है। इस वक्त जो प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में है, उसकी वजह से सांस लेना मुश्किल है। ऐसी हवा में सेहतमंद रहने के लिए एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन इसके लिए ये समझना भी जरूरी है कि एक्सरसाइज कहाँ करें, किस तरह से करें और कब करें। अगर इसका ध्यान नहीं रखा तो वर्कआउट से परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए इस मामले में हॉर्न बजाना जरूरी है। दिल्ली के इंडिया गेट पर जहां वर्कआउट के लिए जमघट होता था, इन दोनों सुबह जाइए तो सन्नाटा मिलेगा। इसकी वजह भी साफ है। इस हवा में जहां सांस लेना भी दूभर है, उसमें दौड़ना या एक्सरसाइज करना सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। इसलिए सुबह या शाम लोग सैर के लिए बाहर नहीं निकल रहे। आप देख सकते हैं जिस जगह पर हम मौजूद हैं, यहाँ पर सुबह के वक्त हर दिन अच्छी खासी भीड़ रहती है उन लोगों की जो यहाँ पर टहलने आते हैं, वॉक करने आते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, दौड़ने आते हैं, व्यायाम करते हैं। लेकिन डॉक्टर ने यहाँ पर
अब लोगों को बोल रखा है कि एहतियात बरते, क्योंकि हवा जहरीली है, तो ज्यादा व्यायाम करेंगे तो और ज्यादा हवा आपके अंदर जाएगी और व्यायाम आपके लिए फायदे की जगह नुकसान दे सकता है। सर्दियों की शुरुआत के साथ दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या नई बात नहीं। सवाल है कि इस दौरान फिट कैसे रहें, क्योंकि ऐसी हवा में बाहर दौड़ नहीं सकते, एक्सरसाइज भी नहीं कर सकते, तो फिर वर्कआउट का दूसरा रास्ता क्या है, ये समझना जरूरी है। फिटनेस के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बेहिसाब प्रदूषण में वर्कआउट के लिए क्या एहतियात बरतने चाहिए और किस एक्सरसाइज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लंग्स को देखते हुए वर्कआउट करना, वर्कआउट न करना, किस तरह की मूवमेंट्स रखें, किस तरह के मूवमेंट्स न रखें, ये बहुत लोगों के लिए जानना जरूरी होता है। तो बतौर एक्सपर्ट ये आप कैसे कोशिश करते हैं लोगों तक जागरूकता पहुंचाने की कि आपका लंग्स भी फिट रहे और आप वर्कआउट भी कर सकें। सी, हम लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करो बट ब्रीदिंग को साथ में जरूर करो। आपने कहा फेफड़ा सबसे पहले इन्वॉल्व होता है, अगर फेफड़ा इन्वॉल्व होता है वो क्या करता है, सांस लेता है। तो आप कुछ ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं जो आप अगर रेगुलर बेस पे करोगे तो आपने लंग्स को और स्ट्रांग कर सकते। लेकिन मैं अगर अपनी बालकनी में बैठ गया सुबह करने के लिए तो वो तो मतलब जो AQI 600, 700, 800, 900 वो तो सारा मेरे अंदर फेफड़ों में चला जाएगा। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ऑलवेज बी इन अ क्लोज एनवायरमेंट, आउटडोर एक्टिविटीज कम करें, और अगर कम नहीं कर सकते हैं तो अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग की जो वॉक्स हैं उनको अवॉइड करें। प्रदूषण में न सिर्फ वर्कआउट पर ध्यान देना जरूरी है बल्कि हेल्दी डाइट का भी ख्याल रखना है। जानकारों के मुताबिक फल और हरी सब्जियों के अलावा हाई प्रोटीन भरपूर मात्रा में लिया जाना चाहिए। दिन भर में 7 या 8 गिलास पानी पीना भी जरूरी है। साथ ही प्रदूषण से निपटने के लिए भाप लेना अहम है। लेकिन अहम सवाल है कि अगर घर से बाहर वर्कआउट नहीं कर सकते तो क्या जिम में एक्सरसाइज करना सुरक्षित है? जिम में तो फिर भी आप AQI कंट्रोल कर सकते हो, पार्क में कैसे करोगे, रोड पे कैसे करोगे? आप इस जिम में भी देखोगे तो AC जिस तरीके से चल रहे हैं, फिल्टर्स लगे हुए हैं, एयर प्यूरिफायर। मान लीजिए अगर वेंटिलेशन है कहीं पे, लोग डोर भी खोलते हैं, अब गैस है, हवा, तो हवा का तो आप रोक नहीं सकते। नहीं देखिए, बिल्कुल नहीं रोक सकते, बट अगर आप अपनी एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हेल्थ के साथ वहां भी एक कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वहां पर भी आप अपनी हेल्थ को पुअर ही कर रहे हैं। आपने देखा कोविड के समय में एक्सरसाइज ना करने का नतीजा आज दिख रहा है कि हर 2-3 दिन में एक आदमी को हार्ट अटैक आ रहा है, यंग लड़कों लड़कियों को हार्ट अटैक आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक्सरसाइज रोकनी नहीं है, बस आपको एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना। डॉक्टर्स के मुताबिक ऐसे प्रदूषण में एक्सरसाइज करते रहना ठीक है, हाँ हैवी वर्कआउट से बचना चाहिए। इस बात पर नजर होनी चाहिए कि सांस लेने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। अगर पेशेंट को कोई भी ब्रेथलेसनेस हो रही है तो आई थिंक दैट इज द फर्स्ट सिम्टम विच शुड बी टेकन केयर ऑफ, कि पेशेंट को ऑनसेट ऑफ ब्रेथलेसनेस है एंड इट डजंट गेट रिलीव, कोई आवाज आ रही है पेशेंट को व्हाइल टेकिंग ब्रीथ एंड ही इज हैविंग एनी चेस्ट पेन, सो दीज आर द सिम्टम्स विच शुड बी टेकन केयर ऑफ। बॉडी वेट ट्रेनिंग की जा सकती है, हैवी वेट ट्रेनिंग की जा सकती है माइल्ड इंटेंसिटी में, अब इट डिपेंड्स, एवरी पर्सन इज डिफरेंट। जो रेगुलरली जिम आते हैं दे कैन इजिली अडेप्ट टू इट, बट जो न्यू ट्रेनर्स हैं, न्यू जो बिगिनर्स बेसिकली, शुड गो वेरी स्लो। दिल्ली एनसीआर में सांसों पर संकट है, लिहाजा खासतौर पर ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूरी है। जानकार योग की सलाह दे रहे हैं। लंग्स एक्सरसाइजेज में सबसे पहले अपनी लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए आप डीप ब्रीथ करिए, प्लस अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कि हम अपने लंग्स को स्ट्रेच करें पूरा और उसमें पूरी अच्छे से एयर भर जाए, फिर उसके बाद धीरे से उसको रिलीज करेंगे। लंग्स एट द सेम टाइम डिटॉक्स भी होगा और उसकी कैपेसिटी भी बढ़ेगी। प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए सरकारें जरूरी कदम उठा रही हैं, लेकिन सेहत को ठीक रखने के लिए हमें सावधान रहना है। घर में या जिम में वर्कआउट करें, फिट रहें और दूसरों को आगाह करने के लिए हॉर्न बजाएं। हिमांशु मिश्रा और आशुतोष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 4 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। चलते हैं सीधे न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों के साथ अयोध्या में कैबिनेट बैठक की। इस दौरान अयोध्या तीर्थ विकास परिषद के गठन समेत 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इस बैठक से पहले सभी ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। वहीं पूजा के बाद सीएम अपनी टीम के साथ श्रीराम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दरबार में शीश झुकाने पहुंचे। वहां सभी ने रामलला के चरणों में कुछ देर बैठकर वंदना और आरती की, साथ ही राम मंदिर के निर्माण कार्यों को भी देखा। बताया गया कि रामलला के दर्शनों के दौरान पूरी कैबिनेट भाव विभोर हो गई। 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि यहाँ पर दोनों सरकारें मिलकर के अयोध्या धाम के समग्र विकास को आगे बढ़ा रही है। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन भारत दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनका स्वागत किया। ऑस्टिन 2+2 बैठक के लिए भारत पहुंचे हैं। इस बैठक में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के अलावा विदेश मंत्री भी हिस्सा लेंगे। भारत सरकार ने कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों को सुनाई गई मौत की सजा के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। उसने इस मामले में अपील दायर कर दी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी। साथ ही कहा गया कि इन सभी पूर्व नौसैनिकों से मिलने के लिए भारतीय राजनयिकों और कानूनी जानकारों को मंजूरी मिल गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। पीएम मोदी डिग्री मामले में उन्हें राहत नहीं मिली और गुजरात हाईकोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी। राजस्थान हाईकोर्ट ने मैटरनिटी को लेकर बड़ा आदेश दिया। अब सरोगेसी से बच्चा लेने वाली मां भी मातृत्व अवकाश की हकदार होगी। हालांकि पहले राज्य सरकार ने इस तरह की छुट्टी देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा कि सरकार जैविक मां और सरोगेसी से बनी मां के बीच अंतर नहीं कर सकती। इनके बीच अंतर करना मां के मातृत्व का अपमान करना है। अदालत ने साफ किया कि याचिकाकर्ता को मैटरनिटी लीव के तहत 180 दिन की छुट्टी दी जाए। तेलंगाना के मंत्री और सीएम के बेटे केटी रामाराव के साथ एक बड़ा हादसा होने से बच गया। दरअसल वो चुनाव प्रचार के दौरान एक गाड़ी से गिर गए। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दिखा कि वो खुली गाड़ी में कुछ नेताओं के साथ खड़े थे। इसी दौरान अचानक गाड़ी का ब्रेक लगाने पर सभी आगे की ओर गिर गए। खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे रुख करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। जनसंख्या कंट्रोल पर बोलते हुए नीतीश कुमार का अश्लील ज्ञान विवाद की वजह बन गया है। मुख्यमंत्री ने उसके लिए बाकायदा माफी मांगी, लेकिन अगले ही दिन नीतीश कुमार की जुबान फिर बहकी। इस बार पूर्व सीएम जीतन राम मांझी पर पलटवार करते हुए मर्यादा का ख्याल नहीं रखा। जिन बातों का जिक्र माननीय नेता ने किया, उन सब बातों की जानकारी इन दोनों किताब में हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। तो सेक्स का विद्यालय खुलवा दीजिए ना, उसके वीसी बन जाएंगे मुख्यमंत्री जी। कभी समीक्षा करने का कष्ट की है सरकार? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बने। कहा जाता है बंदूक से निकली गोली और मुंह से निकली बोली वापस नहीं हो सकती। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा इस बात की गहराई को फिलहाल और कौन महसूस कर सकता है? बीते 3 दिन से नीतीश के बिहार विधानसभा में दिए गए अश्लील ज्ञान पर हंगामा जारी है। बीजेपी नीतीश से इस्तीफे की मांग कर रही है, बयान के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, पर जेडीयू के नेता पूरी बेशर्मी से बचाव करने में जुटे हैं। आज नीतीश के बयान को वाजिब ठहराने के लिए सदन में बायोलॉजी की किताब लेकर पहुंच गए। ये साबित करना चाहा कि नीतीश ने जो बात कही वो जीव विज्ञान की किताबों में पहले से है। फर्क सिर्फ इतना है कि मुख्यमंत्री जी समझाते हुए थोड़े ज्यादा देसी हो गए। एनसीईआरटी के किताब में, सीबीएसई के किताब में बच्चों को पढ़ाते हैं, और माननीय नेता ने अपने प्रजनन दल को इस प्रदेश में कैसे कम करें और कैसे प्रजनन दल कम हुआ है उसकी चर्चा में कुछ बोल भी गए, तो वो बात आप ऑलरेडी प्लस टू के एनसीईआरटी में पढ़ा रहे हैं। उस पाठ्यक्रम के विषय का हवाला देकर आप बोलते हैं कि पाठ्यक्रम में, तो सेक्स का विद्यालय खुलवा दीजिए ना, उसके वीसी बन जाएंगे मुख्यमंत्री जी और प्रिंसिपल बन जाएंगे अशोक चौधरी जी और सारे जितने हमारे मंत्रीगण है वो बन जाएंगे प्रोफेसर। मुख्यमंत्री इस तमाम विरोध पर नीतीश कुमार भी आग बबूला हो गए। कहीं का गुस्सा कहीं फूटा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जाति जनगणना के आंकड़ों पर सवाल उठाया तो नीतीश कुमार उखड़ गए और एक बार फिर सदन में भाषा और आचरण की मर्यादा लांघ गए।
ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाए, जाए। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चलाया था सात पार्टी में, अध्यक्ष महोदय अभी हम जान करके भगा दिए उधर। यूं तो लोकतंत्र में किसी को मुख्यमंत्री बनाना या न बनाना जनता के हाथ में होता है, पर बीते 18 साल से नीतीश की पार्टी वाले गठबंधन को ही सत्ता सुख मिलता आया है। बीच में अपनी पार्टी की छवि बचाने के लिए नीतीश कुमार ने 278 दिनों के लिए जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। आज उसी कदम को नीतीश ने उपकार और अपनी गलती की तरह पेश कर दिया, वो भी भरे सदन में। इस पर भी हंगामा खूब हुआ। अगर देखें तो बीते तीन दिनों में नीतीश का ये दूसरा बयान है जिस पर घमासान है। हालांकि तीन दिन पहले उन्होंने अश्लील ज्ञान की जो लकीर खींची थी वो अब तक मुद्दा बना हुआ है। सवाल नीतीश के संस्कारों पर उठने लगे हैं। ये पहला मौका नहीं है, आज लगातार एक साल का अंदर में नीतीश कुमार जी ने ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है जिससे अगर आप देखते हैं उससे आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। बोलने के क्रम में एकाध शब्द ऐसे उन्होंने कह दिए जो नहीं कहना चाहिए था, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने खेद व्यक्त कर दिया तो बात तो समाप्त हो गई। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं खेद व्यक्त कर दिया, उन्होंने महसूस किया कि ये बात हमको ये सब नहीं बोलना चाहिए था। नीतीश कुमार बिहार में महिला अधिकारों के चैंपियन माने जाते रहे हैं। कहा जाता है कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिहार में कई काम किए। नीतीश ने ही 2006 में महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिया, 2016 से बिहार में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण दिया, और नीतीश कुमार खुद कई बार ये दावा कर चुके हैं कि महिलाओं की बेहतरी के लिए ही उन्होंने राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू की है। लेकिन एक बयान ने नीतीश की छवि पर ऐसा दाग लगाया है जो मौजूदा राजनीतिक माहौल में जल्दी धुल पाएगी ऐसा लगता नहीं है। पटना से आदित्य वैभव के साथ रोहित सिंह, गुड न्यूज टुडे। पैसे लेकर सवाल पूछने के सवाल पर तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की सांसदी खतरे में है। एथिक्स कमेटी में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया है। इससे महुआ के खिलाफ कड़े एक्शन का रास्ता साफ हो गया है। आज एथिक्स कमेटी की बैठक में महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रस्ताव पर पक्ष में 6 सांसदों ने वोट किया, जबकि 4 सदस्यों ने प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। सूत्रों के मुताबिक कमेटी ने मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश की है। अब एथिक्स कमेटी के रिपोर्ट को आगे की कार्रवाई के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास भेजा जाएगा। स्पीकर इस मामले में अंतिम फैसला लेंगे, लेकिन माना जा रहा है कि वो कमेटी की सिफारिश को स्वीकार कर लेंगे। अगर ऐसा होता है तो महुआ मोइत्रा की सांसदी जा सकती है। हमारा और पहले दिन से सवाल ही प्रक्रिया पर है। चेयरमैन आए 15 मिनट बाद और 2.5 मिनट में मीटिंग खत्म हो गई। रिपोर्ट इतनी बड़ी रिपोर्ट, इतनी मोटी रिपोर्ट, डिस्कशन ही नहीं हुआ। हमने प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, विपक्ष के सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दे दिया है, क्योंकि ये प्रक्रिया ही स्टार्टिंग फ्रॉम द डे वन यही गलत। एथिक्स कमेटी को जांच करने का काम माननीय लोकसभा स्पीकर के द्वारा सौंपा गया था, उसकी विस्तृत जांच अपने सिफारिशों के साथ कमेटी ने मानी लोकसभा स्पीकर को प्रेषित कर दिया। पहले दिन से ऐसे लोग थे जो पूरी जांच को बाधा डालना चाहते थे, जांच न हो इस तरह का बखेड़ा करना का चाहते थे, लेकिन आज जब उन्होंने वोटिंग किया तो बहुमत से यह रिपोर्ट अडॉप्ट हुई। अडॉप्ट होने के बाद मानी लोकसभा स्पीकर को प्रेषित की गई। न्यूज पत्र आगे है धनबाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी, आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धनबाजार। शेयर बाजार में आईटी और टेक्नोलॉजी समेत कुछ सेक्टर्स के शेयर्स में कमजोरी रही, इससे ये लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 143 अंक नीचे 64,832 पर खिसक गया, साथ ही निफ्टी 48 अंक गिरकर 19,395 पर बंद हुआ।
धनतेरस से पहले सोने और चांदी की कीमतों में कमजोरी देखने को मिली है। दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 400 रुपए नीचे यानी 60,950 रुपए हो गई है, जबकि प्रति किलो चांदी 300 रुपए गिरकर 73,300 रुपए पर पहुंच गई है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत को लेकर गुड न्यूज दी है। उसने इस साल के लिए भारत की जीडीपी दर का अनुमान 6.7% पर बरकरार रखा है। वहीं 2024 में इसके 6.1% तो 2025 में 6.3% रहने का अनुमान जताया गया है। लाइव वीडियो चैट की सुविधा देने वाली कंपनी ओमेगल ने अपनी सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है। बताया गया है कि कंपनी ने कानूनी दिक्कतों और साइबर हमलों की वजह से फैसला लिया है। ओमेगल 14 साल से अपनी सेवा दे रही है। और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने एक बार फिर करिश्मा किया है। एक ऐसे शख्स की जिंदगी बचाई है जो नेपाल में 72 घंटे तक 80 फुट गहरी बर्फीली खाई में फंसा रहा, और जब रेस्क्यू किया गया तो उसे एक हफ्ते तक ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। शरीर के अंगों ने काम करना लगभग बंद कर दिया था। नेपाल में डॉक्टर्स को कोई उम्मीद नजर नहीं आई, तब दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने इलाज के लिए हामी भरी। अनुराग को दिल्ली तक लाने की हालत नहीं थी, लेकिन किसी तरह लाए गए तो फिर एम्स के 9 विभागों के डॉक्टर्स ने मिलकर 6 महीने के इलाज के बाद अनुराग को पूरी तरह से ठीक कर दिया। वो अब दिवाली अपने घर में मना पाएंगे। डॉक्टर, फॉर मी दीस पीपल हैव गिवन मी अ न्यू लाइफ। फॉर मी दे आर लाइक truly God, in the form of God they have saved me। हम लोगों ने तो सुन के 5-7 दिन बाद ही ये सोच लिया था कि हम बहुत अच्छे हाथों में आ गए हैं। जब जिंदगी की कोई उम्मीद न बची हो और कुछ महीनों के संघर्ष के बाद आप अपने पैरों पर खड़े हों तो भावुक होना लाजिमी है। ये अनुराग है, मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। पर्वतों पर चढ़ाई करने का शौक है, सो इस बार नेपाल में अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ाई करने की सोची। 8,000 मीटर के बेहद मुश्किल ट्रैक के लिए चले तो गलत रास्ता ले लिया और एवलांच में फंस गए। 6,000 फीट से नीचे गिरे और 72 घंटे तक 80 फुट की गहरी बर्फीली खाई में फंसे रहे। ऐसे कि जिंदगी और मौत के बीच फासला बेहद कम हो गया। मैं अप्रैल में गया था, मार्च 25 को मैं नेपाल के लिए निकला था, जब मैंने एक्सपेडिशन शुरू किया था 26 तारीख से, और मैं 17 अप्रैल को क्रेवास में गिरा था और 20 अप्रैल को मैं क्रेवास में के मतलब बाहर निकाला गया था जब मैं मिला था। तो उसके बाद तो आई हैव लॉस्ट मेमोरी। शुरुआत के करीब 10 दिन हॉस्पिटल के जो थे। पहले 72 घंटे ऊपर वाले ने सांसें थामे रखी और फिर जब रेस्क्यू कर डॉक्टर्स के पास लाए गए तो शुरुआत के एक सप्ताह तक ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहे। नेपाल में डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए, तब उनके परिवार के लिए आखिरी उम्मीद बने दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स। दिल्ली एम्स में जो एक्सपर्टीज है, जो साधन है यहाँ पे, वो उसका कोई मुकाबला नहीं है। हिंदुस्तान में नंबर वन है, और मैं तो ये कहूँगा कि कई बाहर के देशों से भी हमारा हॉस्पिटल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नेपाल में थोड़ी व्यवस्थाएं कम थी, लेकिन उन्होंने भी जितनी व्यवस्थाएं थी उनसे जो हेल्प कर सकते थे वो पूरी हेल्प करने की कोशिश की। और इंडिया में तो आप जानते हैं कि यहाँ के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं हमारे पास। दिल्ली एम्स के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने ये चैलेंज लिया और यहाँ के 9 अलग अलग विभागों के डॉक्टर्स ने मिलकर अनुराग को फिर से खड़ा कर दिया एक नई जिंदगी देकर। अनुराग जो है बेसिकली अन्नपूर्णा करके जो माउंटेन है 6000 मीटर पे, उसमें करीब 80 मीटर गहरे गड्ढे में गिर गए और 2 दिन वहाँ रहे, और उसके बाद उनको बचाया गया और फिर नेपाल के एक अस्पताल में 20 दिन रहे, लाइफ से जिंदगी और मौत से जूझते हुए, जिसमें करीब उनका नेपाल के डॉक्टर ने ऑलमोस्ट कह दिया कि अब इसका सर्वाइव करना मुश्किल है और इसको आप कहीं और ले जाइए। जब हमने इनिशियली जब पेशेंट लिया था तो ही वॉज वेरी क्रिटिकल, और इनके लंग्स बराबर काम नहीं कर रहे थे, इन्फेक्शन था लंग्स के अंदर,
किडनीज इनकी काफी खराब हो चुकी थी और एक बार ऑलरेडी इनका डायलिसिस हो चुका था और ब्लड प्रेशर अनस्टेबल था, इन्फेक्शन बॉडी में फैला हुआ था। सो इनिशियल हमारा टास्क था कि हम इनके इंटरनल ऑर्गन्स को स्टेबलाइज करें सो दैट जो सर्जिकल स्ट्रेस होता है उसको हैंडल कर पाएं। ही वॉज रिक्वायरिंग सर्जरीज। सो इनिशियल 20 डेज में इनकी 2 या 3 सर्जरीज हुई जिसमें ये कोशिश की गई कि इनका जो बॉडी का इन्फेक्शन है वो कम हो जाए और इन्फेक्शन और न्यू सर्जरीज के लिए रेडी हो पाए। सो टोटल ये अराउंड 6 to 7 सर्जरीज हुई है इनकी पूरे स्टे के अंदर। इन डॉक्टर्स ने न केवल अनुराग के शरीर को दोबारा जिंदगी जीने लायक बनाया बल्कि उसके दिल में भी जगह बना ली जिसे याद करके अनुराग भावुक हो जाते हैं। आप किसी को मतलब इलाज जब करते हैं और डे टू डे बेसिस में देखते हैं तो एक ह्यूमन टच होना चाहिए। मेरा बिलीव यही है कि एक ह्यूमन टच होना चाहिए। एक जैसे हेल्थ का एक एस्पेक्ट तो मेंटल एस्पेक्ट है, तो अगर आप ह्यूमन टच नहीं देंगे तो वो ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट मैं समझता हूँ। और हमें भी अच्छा लगता है जब पेशेंट अच्छे होके जाते हैं घर, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। यूं ही नहीं कहते कि डॉक्टर्स भगवान का दूसरा रूप होते हैं और दिल्ली एम्स ने इसे बार बार साबित किया है। दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने अनुराग से वादा किया था कि वो दिवाली अपने घर पे मनाएंगे और दिवाली से पहले अब अनुराग पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर वापस जा रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष झा के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं जहां आज बात होगी रामनगरी अयोध्या की। अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। दियों को राम की पैड़ी के घाटों पर पहुंचा दिया गया है। 11 नवंबर को 24 लाख दीपों को प्रज्वलित किया जाएगा जिनकी गणना के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम जो है वो अयोध्या पहुंच गई है। इस बार अयोध्या में 7वां दीपोत्सव होने जा रहा है। उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ अपने मंत्रिमंडल के साथ रामनगरी पहुंचे, वहीं कैबिनेट की बैठक हुई। अयोध्या के विकास के लिए कई अहम फैसले लिए गए। इस वक्त अयोध्या में भव्य सजावट है, दीपोत्सव की जबरदस्त तैयारी है। इस पर हमारे संवाददाता समर्थ श्रीवास्तव ने लोगों से बातचीत की। योगी सरकार या क्यों कहें यूपी सरकार ने अयोध्या रामलला के दरबार को चुना है कैबिनेट की बैठक के लिए। इससे पहले कुंभ के दौरान प्रयागराज में 2019 में बैठक हुई। आज कई प्रस्ताव, कुल मिलाकर 14 प्रस्ताव पास हुए जिसमें इनवेज वाटरवेज के जरिए एक्सपोर्ट बढ़ाने की भी कवायद हुई, अयोध्या के विकास की भी बात हुई, तो तमाम हाथरस बुलंदशहर जिलों में धार्मिक नगरी को उखेरने की भी चर्चा हुई। हमारी मौजूदगी अयोध्या की राम की पैड़ी में है और मेरे पीछे जो आप नजारा देख रहे हैं वो अपने आप में अद्भुत है। अयोध्या में आज कैबिनेट बैठक हुई, पहली बार योगी सरकार ने कैबिनेट बैठक अयोध्या में करी है। कितना बड़ा इम्पैक्ट मानते हैं आप इस तभी? आज तक लखनऊ में ही हुई है, एक बार प्रयागराज में हुई है। जब से एनडीए गवर्नमेंट बनी है तब से मुझे लगता है जो कल्चरल रिवाइवल का टाइम शुरू हुआ है 2014 के बाद माना जा रहा है, तो उसमें राजनीतिक तौर पे तो सक्रियता बढ़ी ही है। उसके साथ साथ जो कल्चरल इवेंट्स हैं उनका हब या उनका सेंटर लखनऊ से बाहर लाने की कोशिश है। जो अभी तक पॉलिटिकल लॉबीज में जो डेवलपमेंट्स होते थे वो लखनऊ के आसपास ही माने जाते थे या लखनऊ में ही माने जाते थे, बाहर तो नहीं होता था। अब उनको जो एक तरीके से कह सकते हैं जो कल्चरल रिलीवेंसी है सिटीज की उसको उसी के माध्यम से प्रमोट करने की कोशिश है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सबके सामने है, अभी हुआ नहीं है उतना, उसकी वजह से थोड़ी परेशानियां हो रही हैं, पर जब ये हो जाएगा द लेवल इट इज गोइंग टू बी ऑन। अभी कितनी अपॉर्चुनिटीज जस्ट बिकॉज वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है उसके अराउंड एक होटल इंडस्ट्री खड़ी हो रही है, एक रेस्टोरेंट बिजनेस बूम हो रहा है। जो कल्चरल रिवाइवल है अयोध्या का वो तो हर कोई देख रहा है। जब से अयोध्या में सरकार आई है योगी जी की तब से बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है। उसकी भौगोलिक परिस्थितियों पे के साथ साथ इसके ऐतिहासिक परिस्थितियों पे भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। हमारे जैसे अयोध्या जो एक धार्मिक नगरी है, प्रभु श्री राम की नगरी है, उस पर बहुत बड़ी मात्रा पे यहाँ पे काम हो रहा है। चाहे वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो आप रोड मैप का देखें या चाहे कोई भी गाइडलाइन का अगर आप देखते हैं मैप देखते हैं आप, अगर इसी देव मौसम में ये जो देख पा रहे हैं जो चल रहा है आप सामने जो देख पा रहे हैं अब की बार का ये 5 सालों के लिए लगाया गया है। ये जो वॉल है, ये जो लेजर लाइटें हैं, ये कंटिन्यूसली 5 सालों के लिए है। एक नई अयोध्या का जो निर्माण हो रहा है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण हुआ या इस तरह के जो बड़े कल्चरल इवेंट्स का निर्माण हुआ है, इससे न जाने अलग तरह की जो चीजें आई हैं समाज में उसने बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है। और ये जरूरत है आज की कि हमारी जो अयोध्या जिसकी पहचान रही है, जो पौराणिक पहचान इसके साथ जुड़ी हुई है, उसको एक बड़ा रिवाइवल मिले। और जनता ने भली बात, जैसे आज आपने भी जिक्र किया, आज की कैबिनेट की बैठक यहाँ हुई जो कि एक बड़ी गौरवमयी बात है
अयोध्या वासियों के लिए, क्योंकि प्रयागराज में हुई है, लखनऊ में होगी ही। राजनीतिक रूप से इसका ये मायने होता है कि हम कितने इम्पोर्टेंस रखते हैं अपने पॉलिटिकल कल्चर में। अयोध्या का एक बड़ा इम्पोर्टेंस है और इसका एक बड़ा मैसेज है। मेटा का डी फेक पर बड़ा फैसला। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आइए चले डिजिटल गली। खबर है कि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी कारोबारी एलन मस्क के बीच अमेरिका में मुलाकात हो सकती है। कहा जा रहा है कि इस मुलाकात में वाहन कंपनी टेस्ला को लेकर भी चर्चा संभव है। टेस्ला जल्द भारत में अपना प्लांट लगाने की तैयारी में है। डीप फेक वीडियो को लेकर हो रहे विवाद के बीच अब मेटा ने एक बड़ा फैसला लिया। इंस्टाग्राम और फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने साफ किया कि अब यूजर्स को ये बताना होगा कि उन्होंने अपलोड वीडियो में एआई या किसी दूसरे तरीके से बदलाव तो नहीं किया। ये नियम अगले साल जनवरी में लागू होंगे। इसका मकसद ये होगा कि अपलोड वीडियो से किसी की छवि पर गलत असर न पड़े। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में एक और अहम कदम उठाया गया। अब ये पता चल सकेगा कि किसी कंटेंट के साथ पोस्ट की गई तस्वीर या वीडियो असल में सबसे पहले कहां इस्तेमाल हुआ। इससे होगा ये कि इस तस्वीर के गलत मायने नहीं निकाले जा सकेंगे। साथ ही कहा जा रहा है कि इससे फर्जी खबर पर भी रोक लग सकेगी। अमेरिका ब्रिटेन में शुरू हुआ दिवाली का जश्न। ये सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दिवाली को लेकर अपने आवास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें बड़ी संख्या में हिंदू समुदाय के लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति भी मौजूद रहीं। वहीं इसको लेकर ब्रिटेन के पीएमओ ने लिखा कि आज रात प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने अंधेरे पर प्रकाश की जीत के उत्सव दिवाली से पहले डाउनिंग स्ट्रीट में हिंदू समुदाय के मेहमानों का स्वागत किया। अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भी अपने आधिकारिक आवास पर दिवाली सेलिब्रेट की। वहां शानदार लाइटिंग की गई थी। उनका यह आधिकारिक आवास दिवाली की रौनक से जगमगा रहा था। साथ ही गेट के बाहर बेहतरीन रंगोली भी बनाई गई थी। वहीं इस मौके पर कमला हैरिस ने इसराइल हमास जंग का जिक्र करते हुए मेहमानों से कहा कि प्रकाश के इस त्यौहार को मनाना बहुत जरूरी है। अमेरिका में भारतीय मूल के कुछ और लोगों ने राज्य स्तर और दूसरी जगहों पर चुनाव जीते। हैदराबाद में जन्मी गजाला हाशमी को वर्जीनिया में लगातार तीसरी बार स्टेट सीनेटर चुना गया। इसी तरह सुहास सुब्रमण्यम वर्जीनिया में स्टेट सीनेटर बने। वो ओबामा के कार्यकाल में व्हाइट हाउस में आईटी नीति के सलाहकार रहे थे। अब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी इसराइल को सलाह दी। उनका कहना है कि गाजा को इसराइल नहीं चला सकता। साथ ही ब्लिंकन ने कहा कि गाजा से फलस्तीनियों का जबरन विस्थापन नहीं होना चाहिए। अफ्रीकी देश सोमालिया में बाढ़ से हालात बिगड़ गए। वहां राहत और बचाव अभियान जारी है। भारी बारिश से बैदोआ समेत कई इलाके पानी से लबालब भरे हुए हैं। कई मकान पानी में समा गए हैं। इस वजह से हजारों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपने आवास पर दिवाली मेले का आयोजन किया, जिसमें भारतीय संस्कृति और सभ्यता की झलक दिखी। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी अपने सरकारी आवास पर दिवाली मनाई। इस दौरान उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों को दिवाली की पार्टी भी दी। दिवाली का क्रेज सात समंदर पार भी अब उतना ही देखा जा रहा है जितना भारत में है। ब्रिटेन से लेकर अमेरिका तक जबरदस्त उत्साह है। भारत में दिवाली भले ही कुछ दिन बाद है, लेकिन विदेशों में दिवाली का उत्सव शुरू हो चुका है। जोश, जज्बा, उल्लास अभी से लोगों के रग रग में घुलने लगा है और दिवाली का जश्न शुरू हो गया है। कल रात अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के आवास पर दिवाली मनाई गई। बड़े ही सुंदर ढंग से सजावट की गई थी। काफी संख्या में लोग इस आयोजन में शरीक हुए। इस दौरान अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोगों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी और भारत में अपने दिवाली मनाने के दिनों को याद किया। It was always such a beautiful celebration of community and family. It was a way for children to, I think, understand through the traditions of that celebration. The importance and the joy that should come with shedding light on moments of darkness. इस कार्यक्रम में लोगों के लिए शानदार इंतजाम किए गए थे। लोगों के लिए कई तरह के व्यंजन की भी व्यवस्था की गई। पटाखे भी, फुलझड़ियां भी जलाई गई।
ब्रिटेन में भी दिवाली की धूम दिखने लगी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की दिवाली मनाने की तस्वीरें आई हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने दिवाली से पहले अपने आधिकारिक निवास डाउनिंग स्ट्रीट में एक कार्यक्रम रखा, जहां बड़े ही शानदार ढंग से सजावट की गई थी। यहां हिंदू समुदाय के मेहमानों का स्वागत किया गया। इस खास मौके पर सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ डाउनिंग स्ट्रीट में हिंदू समुदाय के कई लोग शामिल हुए। पीएम सुनक ने ब्रिटेन और दुनिया भर में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोगों को शुभकामनाएं भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को दी शिकस्त। खेल जगत की कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए चलें खेल चक्कर। बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबले के लिए टिकट बिक्री शुरू कर दी है। ये टिकटें रात 8 बजे से बिकनी शुरू हो गई। वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को मुंबई और दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर को कोलकाता में खेला जाएगा। वर्ल्ड कप के एक मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने श्रीलंका को 5 विकेट से हरा दिया। मैच में श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 171 रन बनाए, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने 5 विकेट खोकर ये लक्ष्य हासिल कर लिया। अब लगभग ये तय है कि न्यूजीलैंड की टीम ही चौथे सेमीफाइनलिस्ट होगी। हालांकि अभी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अपने अपने मैच बाकी हैं। न्यूजीलैंड के अब 10 अंक हैं तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के 8-8 अंक हैं। ऐसे में पाकिस्तान को चमत्कार ही सेमीफाइनल में पहुंचा सकता है। महिला आईपीएल को लेकर अहम जानकारी सामने आई है। खिलाड़ियों की नीलामी का कार्यक्रम 9 दिसंबर को मुंबई में आयोजित होगा। कहा जा रहा है कि टूर्नामेंट अगले साल फरवरी में हो सकता है। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने कुल 6 मेडल अपने नाम किए हैं। इनमें 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज हैं। वैसे रिकर्व कैटेगरी में भारत को इस प्रतियोगिता से कोई भी ओलंपिक कोटा हासिल नहीं हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर जॉन्टी रॉड्स ने वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर किया। उनके साथ पूर्व भारतीय क्रिकेटर सैयद किरमानी भी मौजूद रहे। इन दोनों खिलाड़ियों ने भोपाल से दिल्ली तक का सफर तय किया। इसके बाद दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। दोनों क्रिकेटर्स ने वंदे भारत ट्रेन की सुविधा की तारीफ भी की। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।